हेलो गाइज, क्या पीरियड्स में संबंध बनाना सही है या गलत? क्या मासिक धर्म में रिलेशनशिप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? ऐसे लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं कि मासिक धर्म में संबंध करेंगे तो बच्चा नहीं होगा, इसलिए नहीं करना चाहिए, और मासिक धर्म में करेंगे तो भाई पाप लगेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी भ्रांतियों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो है क्योंकि मुझे कई कॉमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ रणधीर और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नॉलेजेबल वीडियोज़ में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मासिक धर्म में यानी पीरियड्स के दौरान संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसे कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि मासिक धर्म में क्या जा सकता है क्योंकि इस टाइम करने से बच्चा नहीं रुकता। तो सबसे पहले समझेंगे मिथ नंबर वन की क्या पीरियड्स में किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टनर्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो है प्रिकॉशन यूज करना है, क्योंकि मोरओवर इस समय संबंध बिल्कुल मैसी होगा, ऑब्वियसली ब्लड निकल रहा है तो सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी, टॉवल्स यूज ज़्यादा करने पड़ेंगे, बेडशीट ख़राब हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है इस चीज़ को लेकर, और पार्टनर्स प्रिकॉशन का इस्तेमाल जरूर करें। मिथ नंबर टू है कि आप पीरियड्स में करेंगे तो आपको कंसीव नहीं हो सकता, ये एक सेफ टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। पार्टनर्स अगर पीरियड्स के दौरान संबंध बनाते हैं तो भी कंसीव होने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली उन फीमेल्स में जिनकी पीरियड साइकिल छोटी है, यानी 20 से 22 दिनों की है, छोटी है, या फिर जब आपका पीरियड्स खत्म होने वाला है तब आप लोगों ने परफॉर्म किया है तो आप कंसीव कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है प्रिकॉशन का यूज करना। प्रिकॉशन मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। मिथ नंबर थ्री है दोस्तों कि पीरियड्स टाइम पे हम करेंगे तो हमें कोई डिजीज यानी इन्फेक्शन तो नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फीमेल से इन्फेक्शन मेल को हो सकता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि प्रिकॉशन का यूज करें। और मिथ नंबर फोर है कि पीरियड्स के दौरान संबंध करें तो फीमेल को प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा नहीं है, अगर फीमेल आपको कॉन्सेंट दे रही है, अगर वो एग्री है, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, जैसे लुब्रिकेशन बना रहता है, जिनको वैजाइनल ड्रेनेज की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, साथ ही अच्छा से परफॉर्म कर पाते हैं, इससे फीमेल में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है जो फीमेल के मूड को बढ़िया बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टनर्स जबरदस्ती नहीं करेंगे। और अब मैं और एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, वो है मिथ नंबर फाइव की फीमेल पीरियड्स के दौरान संबंध बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है, इसमें कई फीमेल्स चाहती हैं और कई फीमेल्स नहीं भी चाहती हैं, क्योंकि कईयों को बॉडी पेन हो सकता है, पेट में दर्द ऐठन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है, और कई टाइप्स के और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फीमेल मूड। अगर आप ओके है, पीरियड्स के टाइम पे करना है, कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद की कम्फर्टेबिलिटी देखनी है। और ये जो भ्रांतियाँ आपके दिमाग में मासिक धर्म और संबंध को लेकर है, इसे मैंने आज दूर किया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।